Hello student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about simple present tense. Before going to start this, let me tell you, in the previous classes we had learned about the introduction of tense. In that videos we had learned about the what is tense, kinds of tense and different examples of sentences in different tenses. After that, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं जो हमने टेंस पढ़े थे, टोटल 12 काइंड के टेंसेस पढ़े थे, उसमें हम एक एक टेंस को अब जो है कि डिटेल्स में स्टडी करेंगे और इस पर एक्सरसाइज क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे. तो आज हम ये देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं और इसमें जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले ये जान लें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब यूज होता है. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज करते हैं जब हमारा कोई रूटीन वर्क चल रहा होता है, हमारे हैबिट्स को जब हमारा कंटिन्यू एक डेली बेसिस पर चल रहा होता है, रिपीटेड एक्शन के लिए हम ऑलवेज यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखें कि इसमें हमारे जो है कि क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले ये देखें कि हेल्पिंग वर्ब क्या है. हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब. अब देखो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डू, डज. डू जब हम यूज करते हैं तो डू हम यूज करते हैं किसके साथ, प्लूरल के साथ, और डज यूज करते हैं सिंगुलर के साथ. प्लूरल नाउन, प्लूरल नंबर एंड सिंगुलर नंबर के साथ. मेन वर्ब जब कभी भी डू डच का यूज होगा तो मेन वर्ब जो हमारा होगा यह वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा. वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा, जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, बेस फॉर्म भी कहते हैं. तो यह तो हमारा डू डच के साथ है, लेकिन ये जो कुछ भी हम यूज कर रहे होते हैं यह हमारा सिर्फ और सिर्फ निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में यूज होता है. तो इट मींस कि हम जो है जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के तो उसमें हमारा उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. तो हम ये देखते हैं कि हमारा ये निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जब यूज करते हैं तो वर्ब यस या ईएस यूज करते हैं. हमारा जो मेन इंफॉर्मेशन है वर्ब यस या ईएस फॉर्म, जिसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं, यह हमारा यूज होता है सिंगुलर नंबर के साथ. सिंगुलर नंबर और वर्ब फर्स्ट फॉर्म हम ये यूज करते हैं प्लूरल नंबर के साथ. प्लूरल नंबर और यह जो हम यूज करते हैं ये हम यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में. अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं. तो हम मेन आपको जो इंफॉर्मेशन है हेल्पिंग वर्ब डू डज है और जो इसका मेन वर्ब है वर्ब फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव में क्या है, ये वर्ब फर्स्ट यस या यस यूज करते हैं प्रेजेंट फॉर्म जिसे कहते हैं सिंगुलर नंबर के साथ, वर्ब फर्स्ट यूज करते हैं प्लूरल नंबर के साथ, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में हम यूज करते हैं डू डज. अब हम इसको देखेंगे कि इसके एक एक सेंटेंस को हम कैसे जो है फॉर्म करेंगे, कैसे बनाएंगे, और इसके बाद फिर हम स्टडी करेंगे एक लेसन हम अलग से स्टडी करेंगे कि यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका क्या क्या यूजेस होगा. तो अब हम ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. स्ट्रक्चर
अब स्ट्रक्चर से पहले अगर हम देखें कि हमें जब हम हिंदी सेंटेंस की बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस के, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी सेंटेंस जब भी हम यूज करेंगे तो इसमें हमेशा से वह ता है, ती है, एक्सेट्रा, जैसे वह बाजार जाता है, वह पेंटिंग करती है, वे क्रिकेट खेलते हैं, तो इस तरह से जो कुछ भी है उसको पढ़ाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, तो इस तरह से यह सब हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही एग्जांपल हैं हिंदी में। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसे हम अगर किसी एक एग्जांपल्स का लें, इसको हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो यह जब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, स्ट्रक्चर हम किस में यूज कर रहे हैं, अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वह होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट या यस या ईएस फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। क्यों ऐसा हमने लिखा, वर्ब फर्स्ट भी आएगा, यस या ईएस आएगा। वर्ब फर्स्ट जो हम यूज करेंगे यह किसके लिए होगा, प्लूरल के लिए, और यह किसके लिए होगा, सिंगुलर के लिए। अब अगर हम इसका ये स्ट्रक्चर है इस पर सेंटेंस देखें, एग्जांपल्स देखें, तो एग्जांपल्स होगा क्या हमारा, जैसे सी प्लेज गिटार वेरी वेल, तो ये उसकी हैबिट है, उसको बजाने आता, सी प्लेज गिटार वेरी वेल। तो यहाँ पे ये देखो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो प्लेज वर्ब में यस या ईएस लगा दिया, गिटार वेरी वेल। हम यहाँ पर ये देखो, ये सिर्फ सी ही नहीं, इसकी जगह पे सी ही या फिर रिया, किसी का कोई भी नेम हम लिख करके ये बता सकते हैं कि सी ही रिया प्लेज गिटार वेरी वेल। तो इस तरह से यह हमारा सिंगुलर के साथ जब कभी भी होगा यही यूज होगा। अगर हम प्लूरल्स में लिखें तो ये होगा गर्ल्स बॉयज दे आई वी, ये सब हमारे क्या हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं। जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब हमारा विदाउट यस यस, यानी यह वर्ब होगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्ले गिटार वेरी वेल। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि यह जो है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब में एस या एस लगेगा, चाहे सी हो, ही हो, रिया हो, या फिर किसी का नेम हो, मैन हो, बॉय हो, और जब भी प्लूरल होंगे, गर्ल्स हो, बॉयज हो, दे आई वी, इस तरह से कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके सेंस में वर्ब क्या होगा हमारा, बेस फॉर्म में यूज होगा, गिटार वेरी वेल। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हम बताएं आपको कि किस तरह से इसको बनाते हैं। साथ ही अब हम अगर इसमें निगेटिव सेंटेंस की बात करें कि स्ट्रक्चर इसका निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव, तो निगेटिव के लिए हमारा कि निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ऑलवेज सब्जेक्ट। अब देखो यहीं पर जब भी निगेटिव या इंट्रोगेटिव की बात होगी तो डू या डज की बात आ जाएगी, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस, और जो ही डू डज यूज होगा वर्ब हमारा आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, सब्जेक्ट डू डज प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर वर्ड्स, सब में लास्ट में फुल स्टॉप यूज होगा। अब इस तरह अगर हम देखें तो यहां पर एग्जांपल्स क्या होगा ये हम देखते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, सी डज नॉट। देखो हेल्पिंग वर्ब यहां सिंगुलर है तो हमने क्या यूज किया, डज नॉट, क्योंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी डज नॉट प्ले। यही जब कभी भी हमारा ही रिया, यानी कि यहाँ पर सी के साथ अगर हमारा कहीं यहाँ पे ही हो या फिर रिया हो, कोई भी हो, तो इसके साथ क्या यूज होगा, डज नॉट प्ले
data very well. और हम अगर इसमें अब देखें कि यह हमने बताया नेगेटिव सेंटेंस कौन से हैं, सी डज नॉट प्ले गिटार वेरी वेल, तो यहाँ पर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हमारा डज नॉट ही यूज होगा। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे है गर्ल्स बॉयज दे आई वी, तो यहाँ पर हम कोई भी लिखें दे आई वी गर्ल्स बॉयज डू नॉट प्ले गिटार वेरी वेल। तो इस तरह से जब कभी हमारे सब्जेक्ट क्या होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, तो वर्ब के साथ हमारा वर्ब क्या होगा, डू यूज होगा, नॉट प्ले गिटार वेरी वेल। यहाँ पे यह जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट डू डज और यहाँ पर जो यूज होगा यह हमारा यूज होगा नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर वर्ड्स, इस तरह से, क्योंकि नेगेटिव है तो हमारा यहाँ पे नॉट क्या होगा, प्लेस होगा, तभी जाकर के ये हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। सॉरी फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। इसके साथ ये हमने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, कि इसका अफर्मेटिव का फॉर्मेट क्या होता है और इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव में डिफरेंसेस क्या है। तो अब यहाँ पर अगर हम एनालाइज करेंगे सेंटेंसेस को तो ये देखो प्लेज, ये जो प्लेज है यह प्लेज यहाँ पर किस में हो गया, डज नॉट प्ले में हो गया। इट मीन्स जो यहाँ पर वर्ब यस या ईएस है तो यह डज नॉट हो गया, या फिर यहाँ देखो जो प्ले है या डू नॉट में हो गया। मीन्स क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है उसके बीच में नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस हो गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नेगेटिव वर्ड नॉट प्लेस हो गया है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम स्टडी करेंगे और आप अपने बुक के हेल्प से इसको स्टडी करेंगे। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप जो है कि गूगल क्लासरूम के थ्रू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि रीजनेबल एंड नॉन रीजनेबल सेंटेंस होते हैं, इसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।